पांच लोगों के अरेस्ट पे, क्योंकि एक टर्म आया है अर्बन नक्सल. तो आर यू एन अर्बन नक्सल, और अर्बन नक्सल थ्योरी पे व्हाट स्वरा बात करते हैं? आई थिंक ये अर्बन नक्सल जब तक एक व्यक्ति अपने अपने निजी कारणों के लिए ऐसा टर्म बना के उसका उसे चलाने की कोशिश कर रहा था वो अलग बात थी. लेकिन जैसे ही पुलिस के जब पुलिस के जो कंप्लेंट या जो भी उन्होंने फाइल किया था FIR या जो भी था वो, उसमें जहाँ अर्बन नक्सल देखा मैंने, तब मुझे लगा कि यार ये एक्चुअली मजाक नहीं है अब. या जब टेलीविज़न चैनल्स ने अर्बन नक्सल बोलना शुरू कर दिया, पिछले महीने कुछ एक हाफ माओइस्ट भी टर्म आया था, समझ, दिस इज़ बिजार, लाइक इट्स रियली रिडिक्यूलस. यू नो, इंसान को आप उसी चीज़ के लिए पनिश कर सकते हैं जो कर्म उसने किया है. किसी भी सोसाइटी में किसी को कुछ सोचने के लिए अगर हम जेल में डालना शुरू कर दें तो फिर तो जेल भर जाएंगे, क्योंकि हम जो इंसान है, इंसानी फितरत है कि नीच ख्याल सोचना, है ना. तो नीचता की तो कोई कमी नहीं है हमारे ख्यालों में, है ना. तो ये अगर हम ये करना शुरू कर दें तो फिर तो कोई अंत ही नहीं है इसका. इस देश में महात्मा गांधी जैसे महान जो एक इंसान थे, एक शख्सियत थी, एक लीडर थे, उनकी हत्या हुई. उस वक्त भी कई सारे ऐसे लोग थे जो सेलिब्रेट कर रहे थे महात्मा गांधी की हत्या को. आज वो सत्ता में हैं, उन सबको डाल देना चाहिए जेल में? सो नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं. इसका जवाब है नहीं, राइट. सो आई थिंक दैट एक्चुअली वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट ये जो हमारे समाज, बतौर समाज हमारे अंदर ये टेंडेंसी है ना कि जेल में डालो, अरे जुर्म है ये वो, एक इट्स नॉट अ, एक ऐसा ब्लड थर्स्टी समाज बनना ना, वो एक्चुअली कोई बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है. क्योंकि एक टर्म आया है अर्बन नक्सल, तो आर यू एन अर्बन नक्सल, और अर्बन नक्सल थ्योरी पे व्हाट स्वरा बात करते हैं? आई थिंक ये अर्बन नक्सल जब तक एक व्यक्ति अपने अपने निजी कारणों के लिए ऐसा टर्म बना के उसका उसे चलाने की कोशिश कर रहा था वो अलग बात थी. लेकिन जैसे ही पुलिस के जब पुलिस के जो कंप्लेंट या जो भी उन्होंने फाइल किया था FIR या जो भी था वो, उसमें जहाँ अर्बन नक्सल देखा मैंने, तब मुझे लगा कि यार ये एक्चुअली मजाक नहीं है अब. या जब टेलीविज़न चैनल्स ने अर्बन नक्सल बोलना शुरू कर दिया, पिछले महीने कुछ एक हाफ माओइस्ट भी टर्म आया था, समझ, दिस इज़ बिजार, लाइक इट्स रियली रिडिक्यूलस. यू नो, इंसान को आप उसी चीज़ के लिए पनिश कर सकते हैं जो कर्म उसने किया है. किसी भी सोसाइटी में किसी को कुछ सोचने के लिए अगर हम जेल में डालना शुरू कर दें तो फिर तो जेल भर जाएंगे, क्योंकि हम जो इंसान है, इंसानी फितरत है कि नीच ख्याल सोचना, है ना. तो नीचता की तो कोई कमी नहीं है हमारे ख्यालों में, है ना. तो ये अगर हम ये करना शुरू कर दें तो फिर तो कोई अंत ही नहीं है इसका. इस देश में महात्मा गांधी जैसे महान जो एक इंसान थे, एक शख्सियत थी, एक लीडर थे, उनकी हत्या हुई. उस वक्त भी कई सारे ऐसे लोग थे जो सेलिब्रेट कर रहे थे महात्मा गांधी की हत्या को. आज वो सत्ता में हैं, उन सबको डाल देना चाहिए जेल में? सो नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं. इसका जवाब है नहीं, राइट. सो आई थिंक दैट एक्चुअली वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट ये जो हमारे समाज, बतौर समाज हमारे अंदर ये टेंडेंसी है ना कि जेल में डालो, अरे जुर्म है ये वो, एक इट्स नॉट अ, एक ऐसा ब्लड थर्स्टी समाज बनना ना, वो एक्चुअली कोई बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है.